आप सभी विद्यार्थियों का वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में एक बार स्वागत है फिर से। ट्वेल्थ क्लास का ये वीडियो है, अपलोड करने जा रहे हैं हम लोग। कोशिश यह रहेगी कि इस वीडियो से संबंधित जितना भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। इस वीडियो से संबंधित जो भी लिंक है, जो हमारे चैनल पर ही है, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर भी जाकर इस पोएम को, माई ग्रैंड मदर हाउस को, माई ग्रैंड मदर्स हाउस को, आप वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और तो और आप उसका वहाँ पर समरी भी ले सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। अगर आपको पोएम नहीं समझ में आया है तो मैंने ये पोएम अपने ही चैनल पर दो बार पढ़ाया है, एक पिछले साल यानी 2020 ईस्वी में और एक 2021 ईस्वी में। यदि 2021 ईस्वी में आपको समझ में नहीं आता है, चूँकि लाइव क्लास था, हमारा पहला टाइम था, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लरनेस आया होगा। लेकिन यहाँ पर आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस वीडियो को लेकर, जो आज मेरी मंशा है कि चूँकि बिहार सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो आप और हम अब कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिल सकेंगे। इस वजह से जैसा कि हम क्लास में करते आए हैं, आपको याद होगा कि एन एपिटाफ हो, चाहे द सोल्जर हो, चाहे फायर हिम हो, चाहे कुछ और पोएम्स हो, हमको याद नहीं है उतना इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इतना कन्फर्म है चूँकि हम इसको नहीं पढ़ाए हैं तो ये काम हम इस पोएम के साथ नहीं कर पाए हैं। अब हम करने जा रहे हैं, हमने इस पोएम को पढ़ा दिया है, एक चेंज के लिए, एक स्मॉल चेंज के लिए, आपका भी मन थोड़ा सा ऊब गया होगा लगातार क्लास करने में स्टोरी ऑफ नॉवेल का, तो एक चेंज के लिए हम लेकर आए हैं। और चेंज ही नहीं, ये हमारी आवश्यकता भी है। और मेरा जैसा आपसे वादा है कि हम लोग एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे डिटेल में, एक बार पोएम तो हम लोग पढ़े ही, पोएम का समरी भी देखे ही, लेकिन हम लोग डिटेल में एक एक लाइन को देखेंगे। तो यह पोएम में जितनी भी लाइंस हैं हम उनको आपके लिए लेकर आए हैं, एक झलक थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ बढ़ कर तेजी से देख लेते हैं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये पंक्ति है। आगे देख लेते हैं, द हाउस विथड्रू इन टू साइलेंस, स्नेक्स मूव अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, ठीक है। और इन सबको हम लिखे अपनी भाषा में, आपको समझाएंगे भी अभी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, तो इस तरह से हम दिखाकर आपको बता सकते हैं कि हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस के उस पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं जिस पोर्शन से बिहार बोर्ड को लेना देना है, यानी जिस पोर्शन से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, जिस पोर्शन से बिहार बोर्ड ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये वो पोर्शन है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई हाई फाई नहीं, हम सिंपल बिहार बोर्ड में आपको क्या लिखना है यह बता ही नहीं रहे हैं, आपके साथ साथ लिख भी रहे हैं। देखिए, यह क्वेश्चन आपको आएगा कहाँ आएगा, तो यह क्वेश्चन आपको चार नंबर क्वेश्चन नंबर चार या क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीन या चार नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। आपको याद है हम बार बार क्वेश्चन नंबर के साथ बताते हैं, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो होता है वह ऐसे होता है, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन जो होता है वह आंसर क्वेश्चन आंसर होता है, जो इसी पोएम से या बुक से, प्रोज सेक्शन से उठा लिया वहां से पूछता है। क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर चार में प्रोज से कुछ लाइंस और पोएट्री से कुछ लाइंस दिए रहते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच में आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है, और क्वेश्चन नंबर छः में फिर छः क्वेश्चन होते हैं जिनमें से किन्हीं तीन का आपको आंसर देना होता है। तो इस प्रकार हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए, इस पोएम को खूब अच्छे से हमने समझाया है, एक एक वर्ड टू वर्ड समझाया है, लेकिन चूंकि आप और हम दोनों कमजोर हैं, हम भी कमजोर हैं, आप भी कमजोर हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलिए मजबूती की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको जो क्वेश्चन वहां पर आएगा
वह क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दी फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग लाइन्स। और देखिए ये दो लाइन 2021 में यानी इस बार जिसमें आपको आपके ही क्लास से अभिषेक कुमार टॉपर हुए हैं शहर में, उनके यहाँ से उनके साल यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है जो अब दूर है लेकिन वहाँ मैंने कभी प्यार पाया था। यह दो लाइन, दो पंक्ति या एक सेंटेंस बोलिए, दो पंक्ति परंतु सेंटेंस एक, दो पंक्ति है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। तो जैसा आप सिंपल बोलते हैं, हमारे पिताजी हमको बोलते आए थे, हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर हमको बोलते आए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी मेरे मुँह से आप यह सुनिएगा कि चले चाल सादा निभे बाप दादा, यानी सिंपल सिंपल चलो, देखो कि तुम्हारा जीवन सुखमय बीतता है जिसमें किसी अधिक पाने की कोई इच्छा है ही नहीं। आप आइए और देखिए इस पोर्शन को अगर आपको लिखना पड़ गया वहाँ बिहार बोर्ड में तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा जनाब, क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस फुल स्टॉप, ठीक है। देखिए ये जो पंक्ति दी गई है ये दिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, ठीक है, पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस है। अपने आप को आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्वतंत्र भी किया, थोड़ा सा आप स्वतंत्र हुए कि आप अपने टेक्स्ट बुक से नहीं चिपके, हमने आपको वो स्टाइल भी बताया जहाँ आप टेक्स्ट बुक से चिपक कर लिख सकते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट टू के फलाना पोएम से ली गई है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिंपल लाइन है, छोटी पंक्ति है, गलती के चांसेस कम है। द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी ये पंक्ति जो दी गई है सर वह हमारी कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है। द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज कमला दास, इस कविता के रचनाकार कौन है, इस कविता की रचनाकार कौन है, तो कमला दास हैं, ठीक है। द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज कमला दास, कंपोजर यानी कि रचनाकार, ठीक है। आपको ये लाइन तो खैर आपको हर एक, अगर माई ग्रैंड मदर्स हाउस से जो भी पंक्ति आई उससे अगर आपको एक्सप्लेनेशन आ गया तो ये तो आपको सब जगह इतना सा बात लिखना है ही, और लिखना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट को लिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस एक्सप्लेनेशन पे पढ़ेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन में जो बच्चे होते हैं वो पूरे पोएम के बारे में लिखने चले जाते हैं लेकिन फिर पोएम का समरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन में कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए, इसी डिफरेंस को हम यहाँ रखे हैं। यहाँ बोला गया है इन दिस पोएम, इस कविता में, हमारी उम्मीद से देखिए हम अकेले वीडियो बनाते हैं, कैमरे के पीछे स्क्रीन पर क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं, हो सकता है इस समय खासकर हम अकेले हैं कि हो सकता है वहाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो, या हमने पूरी कोशिश की है कि ब्लर नहीं होगा, हम वीडियो बाद में देख भी लेंगे, लेकिन अगर गलती हो जाए तो हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि तकनीक में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए थोड़ा सा स्पेयर कीजिए मेरे साथ, आपको मेरे साथ वहन करना होगा। चलिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड हर लाइफ एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड कंपेयर्स इट विथ हर प्रेजेंट लाइफ। देखिए एक पंक्ति एक लाइन में हमने आपको इस पूरे पोएम के बारे में बता दिया ताकि पढ़ने वाले जो टीचर हैं, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, वो इस लाइन को पढ़कर समझ सके कि यह जो स्टूडेंट है, चूंकि आप वहाँ बताने के लिए तो है नहीं भैया, आपकी कलम ही आपके बारे में बताएगी, तो आप जो वहाँ पर रहिएगा तो उस स्थान पर आपको यह महसूस होना चाहिए, उस टीचर को, उन टीचर लोगों को महसूस होना चाहिए कि आपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है। इसलिए हमने लिखा है कि इन दिस पोएम, छोटा में सारी बात लिख दिए, इन दिस पोएम द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड, कवियत्री ने वर्णन किया है, डिस्क्राइब्ड, हम उन्हीं सब शब्दों को चुन कर लेकर आए हैं आपके एक्सप्लेनेशन में जो हम पहले से करते आए हैं ताकि आपको वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं हो,
फिर भी यदि कोई दिक्कत होगी तो हमारे आपके पास, देखिए यह एक हो सकता है यह लंबा वीडियो बनने वाला है, कितना लंबा बनेगा भगवान जाने, लेकिन आपके पास प्ले और पॉज बटन है। अगर आपको थोड़ा सा मन में उबाऊपन आने लगे तो प्लीज़ पॉज दबाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चाय वाय पीजिए, दिमाग पर प्रेशर मत लीजिए कि एक बार में ही पूरा वीडियो देखना है, फिर से आप आइए, फिर से आप प्ले कीजिए और देखिए, लेकिन एक दिन में देख लीजिए, इससे आपका दिमाग कनेक्ट कर सकेगा सभी चीज़ों को। आइए, इन दिस पोएम द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड हर लाइफ एट ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि इस कविता में कवियत्री ने वर्णन किया है अपने जीवन का, कहाँ तो उनके ग्रैंड मदर के घर पर, यानी अपनी दादी माँ के, नानी माँ के घर पर के जीवन को उन्होंने कंपेयर किया, बताया है, डिस्क्राइब किया यानी वर्णन किया, एंड कंपेयर्स इट, और तुलना करती है, कंपेयर्स इट तुलना करती है विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपने आज के जीवन से, वर्तमान जीवन से उस जीवन की तुलना करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। हमारी उम्मीद से आपको सब कुछ क्लियर होगा फ्रॉम दीज लाइन्स। अब हम आते हैं इन पंक्तियों पर। देखिए, कोई लड़का अगर चाहे चाहे तो ये सारी बातें, ये इतनी सारी बातें जो व्हाइट पेन से लिखी हुई हैं, और ये सारी बातें, इन दोनों बातों को, यह देखिए यहाँ पर हमने पैराग्राफ चेंज किया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, फिर एक बार पैराग्राफ चेंज किया है, इन दोनों बातों को, इन दोनों पैराग्राफ्स को वो इस पोएम से रिलेटेड जितना एक्सप्लेनेशन आए उसमें वह लिख सकता है। ये कॉमन चीज़ है, लिख सकता है, लेकिन मजबूरी नहीं है, वह इतना सा करके फिर इस पार्ट तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यह मत समझिएगा कि यह बहुत लंबा है, चार नंबर मिलना है, और साहित्य में चार नंबर लाने के लिए थोड़ा तो भावना को बहाना पड़ेगा, भावना के आवेश से आपको मुक्त होना पड़ेगा, आपको उसके साथ बहना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। फ्रॉम दीज लाइन्स, इन पंक्तियों से, द पोएटिस हैज डिस्क्राइब, कवियत्री ने वर्णन किया है, दैट की हाउस, डिस्क्राइब दैट हाउस, सॉरी की नहीं, यहां दैट का मतलब की नहीं, फ्रॉम दीज लाइन्स द पोएटिस हैज डिस्क्राइब्ड दैट हाउस, यानी कि इन पंक्तियों में कवियत्री ने उस घर का वर्णन किया है, वेयर सी रिसीव्ड लव व्हेन सी वाज यंग, जहां उन्हें प्यार मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां पर पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं हम लोग, पिताजी से थोड़ा सा प्रेरित हो जाते हैं, वो दो दो ढाई ढाई बजे दिन से उठकर पढ़ते रहते हैं सुबह से, तो हम लोग भी उनके साथ, चलिए लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, बढ़िया से पढ़ते रहते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते पढ़ते ये जानकारी थोड़ी बहुत मिली है कि जब यह 15 वर्ष की ही थी, अब पता नहीं ये जानकारी कितनी सही है, जब यह 15 वर्ष की थी ही तभी इनका विवाह हो गया था, इसलिए इनके मन में थोड़ा बहुत कड़वाहट भी है। पढ़ लिख लेने के बाद लोगों को अच्छा ज्ञान होता है, वह समझ सकते हैं क्या सही क्या गलत, तो यहाँ पर उसी उम्र की बात हो रही है जब उनकी शादी हो गई है दादी माँ के घर से। फ्रॉम दीज लाइन्स द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड दैट हाउस वेयर सी रिसीव्ड लव व्हेन सी वाज यंग, इन पंक्तियों में कवियत्री ने उस घर का वर्णन किया है जहाँ उनको प्यार मिला था जब वह छोटी थी, व्हेन सी वाज यंग, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, दैट इज, यहाँ देखिए आई ई लिखे थे पिछले बार का, याद है मेरा सेकेंड टॉपर जो लड़का है वो हमसे फ़ोन करके पूछा था, सर आई ई का क्या मतलब होता है, आई ई का मतलब होता है दैट इज, थैंक यू विशाल, आपने इस गलती को या इस कमी को मेरे उजागर किया था, जो कि हम आज बता सक रहे हैं इस वीडियो में कि आई ई का जो यूज हम करते हैं उसका अर्थ होता है दैट इज, यानी कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर ग्रैंड मदर्स हाउस तक का अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में कवियत्री ने उस घर का वर्णन किया है जहाँ उन्हें प्यार मिला था, व्हेन सी वाज यंग, जब वह छोटी थी, दैट इज, जो कि है उनका ग्रैंड मदर्स हाउस, उनकी दादी माँ का घर, यानी वह घर जिसके बारे में हम बताएं वह क्या है, तो भाई उनकी दादी माँ का घर है। नाउ अब द स्पीकर हैज नो प्लेस वेयर सी कैन फाइंड लव, अब के समय में स्पीकर के पास यानी कमला दास जी के पास
कोई जगह नहीं है जहां वह प्यार पा सके। आप अगर हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया है, हम पूरा समझा लिए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकें, और लिखिएगा ज़रूर। आइए, इसको भी हमने लिखा ही है और आपके लिए लिखा, देखिए ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन सेकेंड पैराग्राफ हम आपके लिए लेकर आए हैं। कभी कभी क्या होगा बेटा, आप समझिए इस बात को, द हाउस विड्रू इन टू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग्स बुक, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हो सकता है, आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कूल लाइक द मून, ठीक है। यानी कि एक पैरा इससे भी निकाल कर एक्सप्लानेशन दे सकता है, एक पैरा इससे भी निकाल कर एक्सप्लानेशन देता है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछने के चांसेस हैं। ज्ञान लपेटने के लिए तो ये चैनल चल ही रहा है, आपको धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे ज्ञान छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते रहेंगे, लेकिन साथ में आपका बिहार बोर्ड भी नहीं ख़राब होना चाहिए। इस वजह से हम यह कोशिश करते हैं कि आपका बिहार बोर्ड भी कम्प्लीट होता रहे और आपका फर्स्ट डिवीज़न प्लस 80% मार्क्स कन्फर्म हो जाए। आइए देखिए, यहाँ पर हमने डॉट डॉट से दिखाया है, इसका मतलब है आपको यही चीज़ लिखना है जो आपने इस पैराग्राफ में लिखा है कि द गिवन लाइन्स फलाना ढिमकाना, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दीज लाइन, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज कमला दास, अब आप लिख लीजिएगा, आप अपना इस समय पॉज करके भी पहले लिख लीजिए, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो। आगे चलिए, फ्रॉम दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, किन ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएटेस डिस्क्राइब्स, कवियत्री डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स द करेंट सिचुएशन ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, मौजूदा परिस्थिति की, करंट मतलब कि मौजूदा वर्तमान अभी की परिस्थिति की, करंट सिचुएशन ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर की मौजूदा स्थिति का वर्णन करती है। क्या करती है वर्णन, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उनकी माता उनके दादी की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ की मृत्यु के बाद द हाउस लॉस्ट इट्स ब्यूटी, घर अपनी खूबसूरती खो चुका था, द हाउस लॉस्ट इट्स ब्यूटी, यानी कि उनकी दादी माँ की मृत्यु के बाद उस घर ने अपनी खूबसूरती खो दी। द हाउस विड्रू इन टू दैट साइलेंस इन विच स्नेक्स कुड मूव ईजीली, द हाउस वह घर withdrew into चला गया into that silence, उस शांति में चला गया, in which जिसमें snakes यानी कि सांप could move easily, snakes आराम से मूव कर सकते थे, उस शांति में चला गया जिस शांति में सांप को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। The books किताबें, वह किताबें, the books का मतलब वह किताबें, वह किताबें, The books that fascinated in her young age, वह किताबें जिसको कि फैसिनेट किया था, उन किताबों ने जिन किताबों ने कवियत्री को आकर्षित किया था, in her young age अपने जवानी के दिनों में, has now become the house of snakes, वो किताबें जो किताबें कभी उनको बचपन में फैसिनेट करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी, फैसिनेशन होना, आकर्षण होना, फैसिनेटेड, देख रहे हैं बार बार बोल रहे हैं फैसिनेटेड, इसी तरह से आपको भी बोलना है, द बुक्स दैट फैसिनेटेड इन हर यंग एज हैज नाउ बिकम द हाउस ऑफ स्नेक्स, जो किताबें उनको बचपन में फैसिनेट करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी, वही किताबें आज सांपों का घर बन गई हैं। सी सेज दैट, वह कहती हैं कि आफ्टर वॉचिंग दिस सीन, इस दृश्य को देखने के बाद, वह जो आई हैं और इस दृश्य को देखी हैं, देखिए ना, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, यहाँ तक आ गए हैं, एंड माई ब्लड टर्न कूल लाइक द मून, अब इसके बारे में बताते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस सीन, सी सेज दैट, वह कहती हैं कि आफ्टर वॉचिंग दिस सीन, इस दृश्य को देखने के बाद, हर ब्लड हैज टर्न कूल लाइक द मून, उसका रक्त
एकदम चंद्रमा के समान शीतल पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है। जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता बहुत ज़्यादा ठंडक का प्रतीक है, उसी ठंडक का एहसास दिलाया है कवयित्री ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे। सेकेंड पार्ट भी, सेकेंड लाइन भी देख रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ भी देख रहे हैं, जो भी आप बोलीजिए, पैरा लाइन सेंटेंस जो भी है, ये वह हिस्सा है। ठीक है, इससे पहले एक लाइन है, दैट वुमेन डाइड। ठीक है, दैट वुमेन डाइड, वह औरत मर गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। हम उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अभी तक समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी ही बार मैंने वहाँ जाने के बारे में सोचा है। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, उन खिड़कियों से झांकने का प्रयास किया है। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वह घर जो शांति में जा चुका है और जहाँ हवाएं जम रही हैं, उन हवाओं तक के बारे में सोचने का हमने प्रयास किया है। हम एक बार देख लेते हैं वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक ही है वीडियो, बहुत अच्छा है वीडियो, ठीक ही बन रहा है। आइए चलिए देखते हैं, हम लोग इस लाइन को देखते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैंने कितनी ही बार सोचा है। चूँकि इतना सारा बात आपको वहाँ अंग्रेजी में ही लिखना है, इसलिए हम बोलते हिंदी में हैं, लिखते अंग्रेजी में हैं, आपको वहाँ अंग्रेजी में ही लिखना है, इसलिए इंग्लिश में ही हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कितनी ही बार अक्सर वहाँ जाने के बारे में सोचा है। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़कियों से झांकने के लिए, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या उस शीतल हवा को सुनने के लिए। अब हवा तो सुना नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ उस शांति के माहौल में वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसे सुनना चाहती है, उस जीवन को जीना चाहती है। इतनी तड़प रही है यह कवयित्री। आइए देखिए, यही चीज़ यहाँ लिखना है, द गिवन लाइन्स। सर थोड़ा और सजा के नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू, हम आपको बताए ही कि आप लिख सकते हैं, खूब अच्छा से लिख सकते हैं। फ्रॉम दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से कमला दास जी हैज़ डिस्क्राइब हर मेंटल स्टेट। कमला दास जी जो हैं, उन्होंने अपनी मानसिक अवस्था का वर्णन किया है। याद करते करते उनकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की हो गई है, इसका वर्णन किया है। सी ऑफन थिंग्स ऑफ गोइंग देयर, ठीक है, वह अक्सर वहाँ जाने के बारे में सोचती है। सी वॉन्ट्स टू लुक बैक इन हर पास्ट लाइफ, वह अपने जीवन में, अपने बीते हुए जीवन को फिर से देखना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू सिट देयर, वह वहाँ बैठना चाहती है। एंड रिकलेक्ट हर ओल्ड गोल्ड मेमोरीज, वहाँ वह सिर्फ बैठना ही नहीं चाहती, बल्कि वहाँ बैठकर अपने पुराने सुनहरे दिनों को समेटना चाहती है। ओल्ड गोल्ड मेमोरीज, अपने पुराने दिनों को समेटना चाहती है। सी ग्लैडली, ग्लैडली यानी कि खुशी खुशी, सी ग्लैडली एंड कामली, और शांत, खुशी खुशी भी लेकिन शांति के साथ। सी ग्लैडली एंड कामली एक्सेप्ट्स दैट, स्वीकार करती है। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट। तो देखिएगा, स्पेलिंग में गड़बड़ाइएगा नहीं। एक्सेप्ट करना मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, के अलावा। तो सी ग्लैडली एंड कामली एक्सेप्ट्स दैट हर यंग एज वॉज फार बेटर देन हर प्रेजेंट लाइफ, वह बहुत खुशी खुशी और बहुत शांति से इस बात को स्वीकार करती है कि उसका जो यंग एज था, यानी उसका जो बचपन का दिन था, वह फार बेटर था, यानी बहुत अच्छा था, देन हर प्रेजेंट लाइफ, आज के लाइफ की तुलना में। ठीक है, आइए चलते हैं, अपना ये देखते हैं। देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है और इन वाइल्ड डिस्पेयर, ठीक है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर,
टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग का मतलब अगर आप ऐसे गूगल पे सर्च कीजिएगा या कहीं भी, तो काटने वाला कुत्ता, लेकिन अगर सिर्फ ब्रूडिंग का मतलब ढूंढिएगा तो आपको समझ में आएगा विचार मग्न, जो बिल्कुल सोच में डूबा हुआ है, ऐसा कुत्ता। जीभ निकाल कर लपलपाते हुए अपने मालिक के लिए सोच में डूबा होने वाले कुत्ते की तरह वह अपने डार्कनेस को लाना चाहती है, वहाँ के डार्कनेस को, अपनी दादी माँ के घर के डार्कनेस को। तो फिर वही बात, एक्सप्लेनेशन है तो आप चलिए द गिवन लाइन्स आप लिखिएगा, आप खुद भी लिखिएगा इसको 3-4 बार, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा हम बार बार बोल रहे हैं। यह वीडियो कितना लंबा होने वाला है इस पर कभी मत सोचिए, टाइमिंग को नहीं देखिए, देखिए कि आपने उस टाइमिंग में क्या सीखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो वही द गिवन लाइन्स, इसको आप अपने से लिखिएगा 4-5 बार, तो हैबिट हो जाएगा, अच्छा लगेगा, आपका खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में देयर इज अ रेफरेंस टू एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस विच मीन्स दैट इट इज अवेलेबल इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस इन अबंडेंस। ठीक है, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में एक रेफरेंस है डार्कनेस का, डार्कनेस के बारे में, एक आर्म फुल ऑफ डार्कनेस यानी कि बाह भर के अंधेरे को, शांति को समेटने का रेफरेंस है। रेफरेंस यानी कि मानक है, यह चीज वास्तविक नहीं है, कोई बाह में भरकर अंधेरे को ला नहीं सकता है, लेकिन वह वहां से समझ सकता है, देख सकता है, सोच सकता है कि यही शांति मेरे साथ चली आए, यही जो मेरा पुराना दिन है यह मेरे साथ चली आए। सोचो उसकी तड़प को कि वह अपने आधुनिक जीवन में किस प्रकार तड़प रही है अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। तो यहां रेफरेंस दिया गया है, एक तुलना करने का माध्यम चुना गया है, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस विच मीन्स, जो कि कहता है इट इज अवेलेबल इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि यह बताता है कि यह उनकी दादी माँ के घर में उपस्थित है, इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब हुआ एकाकीपन में, अकेले में, छितराया हुआ, शांति में वहाँ मौजूद है। एंड इन हर डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। एंड इन हर डिस्पेयर दैट सीज इन राइट नाउ She wants to pick the darkness from there. और अपने डिस्पेयर में, अपने बेचैनी के समय में, जो कि वह अभी समय झेल रही है, महसूस कर रही है, वह चाहती है कि वह डार्कनेस को वह उठाकर ले आए और वहाँ से ले आए, पिक द डार्कनेस फ्रॉम देयर, वहाँ से शांति को वह लेकर आए। इवन दैट इज वेरी प्रीसियस टू हर, यहाँ तक कि वह भी उसके लिए अमूल्य है, यानी अपनी दादी माँ के घर में पसरा हुआ सन्नाटा और पसरा हुआ शांति भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। सी कंपेयर्स दिस डार्कनेस, वह तुलना करती है इस अंधेरे की टू अ डॉग, एक कुत्ते से तुलना करती है, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग लिखा है उन्होंने, तो यही यहाँ लिखे हैं। सी कंपेयर्स दिस डार्कनेस टू अ डॉग, उन्होंने इस अंधेरे की तुलना की है एक कुत्ते से, विच सजेस्ट, जो कि सजेस्ट करता है यानी दिखाता है हमको, हमको सलाह देता है इनके बन के बारे में, यह सलाह देता है दैट इट इज लॉयल टू हर लाइक अ पेट डॉग, यानी कि जिस प्रकार एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है और उनके मन के अनुसार आचरण करता है, उसी प्रकार वह अपने बेचैनी के दिनों में डार्कनेस को जो लेकर आई है, उसने भी, उनकी तुलना भी जो उन्होंने की है वह एक कुत्ते से की है। जिस प्रकार कुत्ता वफादार और मन के अनुसार आचरण करने वाला है, उसी प्रकार यह डार्कनेस भी जो उनकी दादी माँ के घर में है और जो उनके बचपन के दिनों के साथ है, वह लॉयल है, वह डार्कनेस भी उसी कुत्ते की तरह लॉयल है, लॉयल है, लॉयल है।
दिस डार्कनेस कम्फर्ट्स हर प्रेजेंट लाइफ विच इज फुल ऑफ डिस्पेयर। यह अंधेरा उनको शांति कम्फर्ट यानी कि आराम दिलाता है और अपने प्रेजेंट लाइफ में आराम दिलाता है जो कि फुल ऑफ डिस्पेयर है, फुल ऑफ बेचैनी है, फुल ऑफ तकलीफ है। आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखिए। अच्छा, हम एक भी वर्ड लिखे नहीं हैं, हम एक भी वर्ड लिखे नहीं हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम एक भी वर्ड लिखे नहीं हैं किसका हिंदी या उच्चारण कैसा होगा, क्योंकि हमने उन सब वर्ड्स को चुना है जो वर्ड की हमने क्लास में भी आपको लिखाया है। और इसके बहाने क्या होगा कि आप अपना पुराना पन्ना भी पलटिएगा, हमारी पुरानी यादें भी आपको आएंगी, हम आपके दिल में हमेशा रहेंगे। चलिए आगे चलिए, देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। तुम कभी नहीं विश्वास करोगे डार्लिंग कि मैं ऐसे घर में रही थी और प्यार की गई थी। देखो तो यही चीज़ फिर से, द गिवन लाइन्स, आपको यह लिखना है, द गिवन लाइन्स लिख देना है। दीज लाइन्स आर डिरेक्ट एड्रेसल टू अ पर्सन होम सी कॉल्स डार्लिंग। ये पंक्ति जो है डायरेक्ट उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिस व्यक्ति को वह डार्लिंग कह रही है। डार्लिंग बोलना एक समय में, हमारे जब हम लोग बचपन में थे तो डार्लिंग बोल देना लगता था ना कि पाप हो गया है, ऐसा कैसे डार्लिंग बोला जाएगा। नहीं, बाद में धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, डार्लिंग मतलब प्यारा होता है, लोग अपने बच्चे को डार्लिंग बोलते हैं। आप अक्सर सुने होइएगा वर्मा सर के मुँह से, माई डियर सन्स एंड डॉटर्स। तो डियर बोलना, सन्स एंड डॉटर्स बोलना, अब कोई व्यक्ति इसको लेकर बैठ जाए कि सन्स एंड डॉटर्स बोले कितना विद्यार्थी बोलते, नहीं नहीं, उनका अपना भाई, आप हमारे परिवार हैं, हमने आपको अगर अपने परिवार का हिस्सा मान लिया तो यदि आप मुझे गलत समझ रहे हैं तो गलती मुझ में नहीं, गलती आप में होनी चाहिए, उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार डार्लिंग जो शब्द है, यहाँ पर हमने वही बात लिखा है, दीज लाइन्स आर डिरेक्ट एड्रेसल टू अ पर्सन, ये पंक्तियाँ डायरेक्ट एड्रेसल है उस व्यक्ति की ओर, होम सी कॉल्स डार्लिंग, जिसे वह डार्लिंग बोलती है। अब यह डायरेक्ट एड्रेसल उनके पाठकों के लिए भी हो सकता है या वह जिसको भी उस समय बोलना चाह रही हो। देखिए कवियत्री हैं, हो सकता है अपने लाइफ के बारे में जिनसे भी इनका मन मुटाव हुआ हो या ना भी हुआ हो, वो उनको भी बोलना चाह रही हो कि देखो कि मेरा वैसा जीवन था, अब तुमने कैसा बना दिया। ये बातें होती हैं। एंड सी आस्क्स द पर्सन दैट ही और सी कैन नॉट बिलीव। यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ आस्क का मतलब है कहना। सी आस्क द पर्सन, वह उस पर्सन को कहती है दैट कि ही और सी, चूंकि हम नहीं जानते हैं कि इन्होंने डार्लिंग जिसे बोला है वह कोई पुरुष है या स्त्री है, इसलिए हमने यहाँ सी और ही दोनों का प्रयोग किया है, ही और सी, दैट द पर्सन दैट ही और सी कैन नॉट बिलीव दैट सी हैड सच अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड। यानी कि वह कभी भी इस बात को नहीं मानेगा, जो भी इसको ही और सी, जिसको भी उन्होंने डार्लिंग कहा है, वह इस बात को कभी नहीं मानेगा कि सी हैड सच अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड, उनके पास उतना सुंदर चाइल्डहुड बचपन था, वेयर, जहाँ कि सी वॉज लव्ड अनकंडीशनली एंड इमेंसली केयर्ड फॉर। वह एक ऐसे बचपन से में जी कर आई है, उन्होंने अपना बचपन का समय ऐसा बिताया है जो कि जहाँ उन्हें अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के प्यार मिला है और जहाँ उनका इमेंसली केयर हुआ है, मतलब पूरे ध्यान से पूरा जोर लगाकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और तब उनको ध्यान में रखा गया, इमेंसली केयर्ड फॉर मतलब कि इतना ध्यान रखा गया हो जैसे मानो किसी फूल को संभाल कर रखा गया हो। चलिए आगे चलते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं,
वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन होगा मज़ेदार। यही मेरा सरप्राइज था, यही मेरा सरप्राइज है। आपकी कॉपी सजते रहे, आपका घर अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहिए। हम तो इस कैमरे के माध्यम से आपके बगल तक जाकर बैठकर देखते हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, लाल ब्लू ब्लैक जो भी पेन जिनको मिल रहा है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अपना फेयर नोटबुक बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, अच्छा लगता है। कोई एक भी मेहनत करता है ना तो लगता है कि अच्छा लगता है, हमने अच्छा काम किया, उसको संतुष्टि हुई। चलिए देखते हैं। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बी बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। ठीक है, इस पंक्ति में भी वही बात, द गिवन लाइन्स। जितना बार आप लिखिएगा आपका प्रैक्टिस होगा। बेटा मेरा क्या है, मेरा क्या है, हम तो इतने दिनों से प्रैक्टिस करते आए हैं। और अगर नहीं आप कीजिएगा तो मेरा तो बहुत पुराना गीत है आपके लिए, जब से मैंने सुना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए आप नए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। मेरा क्या है, हम तो प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, ये सारी हैंडराइटिंग मेरी ही है। आप बचपन से जिस समय से आप पढ़ रहे हैं, आपको हम क्यों बोले बचपन से इस स्थान पर, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो हमारे इस क्लास में क्लास 7 से हमसे पढ़ते आए हैं, इसलिए हम बोलते हैं अपने बचपन से आप पढ़ते पढ़ते अब जवान हो गए। फ्रॉम दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, सी वॉन्ट्स टू से दैट, वह कहना चाहती है कि दो हालांकि सी हैड सच अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड, अभी आप देखे ही पिछले में कि कैसा उनका चाइल्डहुड था, हालांकि सी हैड सच अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड फिल्ड विथ लव एंड वार्म एंड सच ब्यूटिफुल मेमोरीज। ठीक है, हालांकि उनका जो बचपन है वो बहुत खूबसूरत रहा था, जो भरा हुआ था, फिल्ड विथ, जिसमें भरे हुए थे प्यार, नरमी, रुमानीपन, वार्मथ, केयर, ये सब भरा हुआ था। द लाइफ दैट सी इज राइट नाउ इज नॉट सो, लेकिन वह कहना चाहती है कि हालांकि उनका बचपन इतना खूबसूरत था लेकिन जो अभी वह जीवन जी रही है, सी इज इन राइट नाउ, द लाइफ दैट सी इज इन राइट नाउ, जो जीवन में वह अभी इस समय है, इज नॉट सो, वह वैसा नहीं है। सी इज नाउ बेगिंग एट स्ट्रेंजर्स डोर, वह भीख मांग रही है किसी अपरिचित के घर पे, टू रिसीव लव, प्यार पाने के लिए वह किसी परिचित के घर पर उस प्यार के लिए गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है। सी नोज, वह जानती है, दैट सी माइट नॉट बी रिसीविंग देम, वह जानती है कि हो सकता है वह उसे उस रूप में नहीं मिले, इन द अनकंडीशनल वे दैट सी रिसीव्ड इट ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी यह वह जानती है कि वह इस प्यार को अनकंडीशनली नहीं पाए, नहीं पा सके, जैसा कि अनकंडीशनली उनसे अपने बचपन के दिनों में मिला था। यानी बचपन के दिनों में जो बिना मांगे प्यार मिला था, बिना किसी शर्त के प्यार मिला था, आज वो प्यार नहीं मिले, वह यह जानती है, लेकिन इसीलिए, सो इसीलिए सी इज बेगिंग फॉर इट, वह इसके लिए भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, एटलीस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, बेगिंग इट एटलीस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि नहीं उतना प्यार मिले लेकिन थोड़ा सा ही तो मिले, लेकिन मिले तो अनकंडीशनली नहीं मिले, कंडीशनली ही मिले, लेकिन मिले तो। और जब यह चाहना, यह गिड़गिड़ाना होता है तो यहीं से होता है व्यक्ति के मन में कि हम तो भीख मांग रहे हैं, जो मेरा हक है उसके लिए हमको इतना गिड़गिड़ाना पड़े, तो इसे ही भीख मांगना कहते हैं। और इस प्रकार आपका यह पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है, लेकिन यह वीडियो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हम बोले थे यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप देखिए ये आपके उसी का, हम चूँकि क्लास में कराते थे, हमको उम्मीद थी कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है,
हम वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ते कि समय का सिचुएशन ख़राब है, लेकिन हम उम्मीद रखते थे कि आप और हम जल्द मिलेंगे, लेकिन चूंकि नहीं मिल सके तो चलिए मेरा तो काम है। वर्मा सर का तो रिकॉर्ड है कि उन्होंने फिजिक्स को 7 बार पढ़ाया है वैसी परिस्थिति में जबकि उनका पैर टूटा हुआ था। वैसी परिस्थिति में 7 बार फिजिक्स को पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हम उसके गवाह हैं, कई सारे विद्यार्थी गवाह हैं कि सर ने उस स्थिति में पढ़ाया। उसी में से कई सारे विद्यार्थी, चाहे वह बलराम हो, चाहे केशव हो, आज सब लोग अच्छे अच्छे जगह पे, चाहे हेमंत हो, ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे स्थान पर पहुंच गए। आज से 4 साल पहले की ही बात है, सबके हाथ में जॉब है, सब अपनी अपनी नौकरी की तैयारी में लगे रहे और नौकरी पा ली उन्होंने उनके ग्रेजुएशन से पहले ही। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको लेकर चलते हैं सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में, कि एक बार चले, एक बार भोरे भोर आँख मले माय उठती है की करी रहल छे माय, अरे एक बार झाड़ू भिड़ाए दिलियो ताकि तोसनी जे पढ़ेल जे मेहनत बेटा बासी घर में पढ़ेल नहीं जाना चाहिए, तो झाड़ू भिड़ा दी। दूसरा बार जब पढ़ के आए तो माय की करी रहल छे, अब देखें पप्पा चली गए ऑफिस, अब खूब बढ़िया झाड़ू लगा रहल छे नुनू, अब कुछ नहीं, अब आगे माय खास पे ना पोछा लगा दे चुनू घर साफ रहते। तो सिलेबस भी मेरे लिए यही चीज़ है बेटा, हम अपने जीवन से जीते हैं, हम अपने तरीके से जीते हैं, सिलेबस मेरे लिए यही चीज़ है। हम एक बार चले, फिर आए, फिर गए, एक बार झाड़ू भिड़ाए, सिलेबस को बढ़िया से एक बार आपको समझाए, ओ यही चीज़ है, ऐसा ऐसा चीज़ होता है। एक बार पढ़े कुछ चीज़ें निकल गई, दोबारा पढ़े तो जो चीज़ें हैं वो इस बार निकली और जो चीज़ें नहीं थी वह फिर आई, फिर कुछ गिर गई, तिबारा पढ़ लिए तो जो चीज़ें गिरी हुई सब कुछ समेट के अंदर रख लिए। तो एक बार तो हम चले, माय ग्रैंड मदर हाउस आपने आपको पढ़ाया, समरी पढ़ाया, यह दूसरा बार है, एक बार और चलेंगे हम लोग। इसलिए धैर्य रखिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन में ज़रूरी है। द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, ये आपका क्वेश्चन आंसर में B.1 है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ ट्रू फॉल्स करना है। द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, उस घर की महिला जीवित है, सच कि गलत, तो गलत, झूठा बात है, वो तो मर चुकी ना, दैट वुमेन डाइड, तो ये तो फॉल्स हो गया। द स्नेक्स वेयर सीन इन द हाउस, घर में सांप देखे गए थे, हाँ देखे गए थे, याद है ना, स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, तो ये ट्रू हो गया। द स्पीकर रेड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, सर आपने इसे रेड क्यों पढ़ा, रीड क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बेटा अगर रीड रहता तो यहाँ एस लगता, लेकिन एस तो है ना, द स्पीकर थर्ड पर्सन, मेरे भाषा में अगर बोला जाए तो टिपिसना है, TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नहीं नहीं नंबर नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो टिपिसना है, अगर यह प्रेजेंट टेंस में रहता तो एस लगता, लेकिन यहाँ एस नहीं है, तो इसका मतलब है यह रीड अपने दूसरे रूप में, तीसरे रूप में भी नहीं है, क्योंकि अगर तीसरे रूप में रहता तो हैज हैव रहता। तो थोड़ा सा ये भी हो गया, द स्पीकर रेड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, यानी स्पीकर ने किताबों को बहुत रुचि से पढ़ा, पढ़ सकी थी क्या, नहीं ना पढ़ सकी थी, वह तो बहुत छोटी थी पढ़ने के लिए, तो ये बात तो गलत है, उसने पढ़ा ही नहीं, हाँ रुचि थी लेकिन वह पढ़ नहीं पाई। द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू द विंडो, स्पीकर की इच्छा है कि वह झांक सके खिड़की से, तो सही है कि नहीं है, सही है, आप तो बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से फॉल्स ट्रू ये स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर कितना है, थोड़ा सा एक बार बढ़िया से झाड़ू को बैठा के झाड़ू देने, फिर पोछा लगेगा ना, झाड़ू जब अच्छा से पड़ जाता है ना तो पोछा तो डंटा से भी मार दीजिएगा, डंटा में आजकल अच्छा अच्छा घर में रहता है अच्छे से पोछा मारने वाला, तो उससे भी कवर हो जाएगा, पुराना दिन तो है नहीं कि बैठ के चौका लीप रहे हैं। झाड़ू अच्छा से अगर पड़ जाए तो यही झाड़ू है बेटा, थोड़ा सा अच्छा से धैर्य से, मन उकता गया, उकता गया, पॉज कर दीजिए ना,
लेकिन पूरा वीडियो देखिए, पॉज कर दीजिए ना, घूम फिर आइए ना, क्या दिक्कत है, घूम फिर आइएगा ना बेटा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट का विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, नहीं तो आप किसी भी समय आकर घर में पूछ सकते हैं, मैं नींद में भी आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में यही चलते रहता है। तो आप जब इसको पॉज करके बाहर निकलिएगा ना भी अपने कमरे से, तो आपको दिमाग में माई ग्रैंड मदर हाउस होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इस बार आने का पूरा उम्मीद है, इसलिए इसको बढ़िया से घिसकर चमका रहे हैं। आइए देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर समझिए कि क्या हुआ इस पार्ट में। हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, यह ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी था। कौन है आई पोएम की दूसरी पंक्ति में, पोएम की दूसरी पंक्ति में आई कौन है, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, कौन है आई। द पोएटेस कमला दास इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। चूंकि यहां बोलता है ब्रीफली, यानी संक्षेप रूप में आंसर देना है, इसलिए हमने एक लाइन में आंसर दिया कि भाई साहब कमला दास जो कवियत्री हैं वही है आई इस कविता के दूसरी पंक्ति में, सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। इस कविता के दूसरी पंक्ति में आई जो है वह पोएटेस कमला दास है। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, डिड लगा इसलिए रिसीव से डी हट गया। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, स्पीकर ने कहां प्यार पाया, कभी कहां प्यार पाया, तो सिंपल है द स्पीकर रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनके मन से आंसर निकल जाता होगा, लेकिन अगर पूरी पंक्ति में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से चलेंगे। वेयर डिड बताता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें तो इसका मतलब है कि हम प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर दे रहे हैं। तो द स्पीकर वंस रिसीव, चूंकि डिड है तो यहाँ हमको पार्ट टू में वर्ब टू में जाना होगा, रिसीव्ड लव, द स्पीकर रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, द स्पीकर रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। द स्पीकर यानी बोलने वाली इस कवियत्री को प्यार मिला था अपनी दादी माँ के घर पर। व्हाई डिड द हाउस गो इन टू साइलेंस, आखिर घर शांति में क्यों चला गया, तो द हाउस यहां देखिए विड्र्यू हम लिखें, आप चाहिए तो वेंट भी लिख सकते हैं, द हाउस वेंट इन टू साइलेंस, लेकिन अगर आप पोएम से मिलता जुलता लिखना चाहते हैं तो द हाउस विड्र्यू इन टू साइलेंस बिकॉज, क्योंकि द वुमेन हु यूज्ड टू लिव देयर वॉज डेड, क्योंकि जो महिला थी, द वुमेन हु यूज्ड टू लिव देयर, जो कि वहाँ रहती थी, यूज्ड टू लगातार रहना, यूज्ड टू लिव देयर जो वहाँ रहा करती थी, वॉज डेड, मर चुकी थी, चूंकि वह मर चुकी थी इसलिए घर शांति में चला गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाई वॉज द स्पीकर अनएबल टू रीड द बुक्स, स्पीकर आखिर क्यों अनएबल थे किताब पढ़ने के लिए, व्हाई वॉज द स्पीकर अनएबल टू रीड द बुक्स, जो कवियत्री है वह क्यों अनएबल थी, अक्षम थी किताबें पढ़ने के लिए। तो द स्पीकर वॉज अनएबल टू रीड द बुक्स बिकॉज सी वॉज टू यंग देन, जो स्पीकर थी वह किताबें पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी, अनएबल टू रीड द बुक्स बिकॉज सी वॉज टू यंग देन, किताबें पढ़ने में अक्षम इसलिए थी क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी। Why did the speaker often wish to go to that house? Speaker क्यों अक्सर, often, इसको often नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं often, often का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, अक्सर, अक्सर वह क्यों सोचती थी उस घर को जाने के लिए। तो the speaker often wished to go to that house because sweet memory of her childhood days, memory of her grandmother, love and affection attracted her, वह अक्सर वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करती थी उस घर में, क्योंकि sweet memory of her childhood days, उनके बचपन के मधुर दिन, मधुर यादें, memory of her grandmother, उनकी दादी माँ की याद, love, प्यार and affection, लगाव, attracted her, अपनी ओर आकर्षित करते थे, खींचते थे। वह घर में इन ये सारी बातें, चाहे उनके बचपन के दिन हों, चाहे वह स्वीट मेमोरी हो,
चाहे वह उनकी दादी माँ की याद हो, वह उन्हें खींचती थी, उनकी यादें उन्हें खींचती थी, वह घर उन्हें खींचता था अपनी ओर। अगला देखिए तो, Why was the speaker proud of living in that house? कवियत्री क्यों, जो स्पीकर है बोलने वाली, वक्त्री क्यों, वक्त्री वक्ता और वक्त्री, स्पीकर वक्ता अगर पुरुष के लिए आया, स्त्रीलिंग के लिए वक्त्री, वक्त्री क्यों प्राउड थी उस घर में रहते हुए, उस घर में रहना उनके लिए गर्व की बात क्यों थी? तो द स्पीकर वॉज लव्ड एंड केयर्ड फॉर अनकंडीशनली इन दैट हाउस। स्पीकर को प्यार और केयर, दुलार, लगाव, सब कुछ अनकंडीशनली मिला था उस घर में, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के मिला था। दैट्स वाई, यही कारण है कि शी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, वह उस घर में रहने में गर्व महसूस कर रही थी, यानी कि वह उस घर के बारे में सब कुछ अच्छा जान सकती थी, क्योंकि उन्हें प्यार और दुलार सब कुछ अनकंडीशनली मिला था। Why does the speaker say that she has lost her way? आखिर जो वक्त्री है वह क्यों कहती है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है? तो आइए देखिए, The speaker says that she has lost her way because she has experienced true love at her grandmother's house and now she is begging for that love at stranger's door. यानी कि कवियत्री यह कहती है, द स्पीकर सेज दैट, यह कहती है कि सी हैज लॉस्ट हर वे, या जो कही कि उसने अपना मार्ग खो दिया, बिकॉज, क्योंकि सी हैज एक्सपीरियंस ट्रू लव, उन्होंने अनुभव किया है सच्चे प्यार का, एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर पर उन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव किया है, एंड नाउ सी इज बेगिंग फॉर दैट लव, और अब उसी प्यार के लिए वह दूसरे के घर पर, स्ट्रेंजर के घर पर, स्ट्रेंजर के घर पर, यहां देखिए स्ट्रेंजर्स में एपोस्ट्रॉफी कोमा एस दिए हैं, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी कोमा नहीं, यानी हमने एक ही स्ट्रेंजर के बारे में बात की है, हमने बहुत सारे स्ट्रेंजर के बारे में बात नहीं की है। लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, एक अजनबी के घर पर वह उसी प्यार के बारे में भीख मांग रही है, यानी जो प्यार उन्हें कभी अनकंडीशनली मिला था, उसी प्यार को पाने के लिए आज उन्हें भीख मांगना पड़ा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्यार की ओर जो कदम बढ़ाया था वह गलत पड़ गया, इसी कारण वह लिखती हैं कि वो अपना रास्ता खो चुकी हैं। इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, क्या जो वक्त्री है वह सेटिस्फाई हुई है अपने अभी के जीवन से? इफ नॉट व्हाई, यदि नहीं तो क्यों? द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपने वर्तमान जीवन से स्पीकर सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज सी हैज टू बेग फॉर लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उन्हें प्यार और दुलार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इस तरह से आप देखिए कि हमने आपको, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए कि हमने आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस में दो बार घुसकर एक पढ़ा दिया, आपको मेरे ग्रैंड मदर्स हाउस का एक्सप्लेनेशन इस साल का अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ा हुआ है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। वह मेरा पहला वीडियो था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो हम पढ़ाए हैं वह मेरा पहला वीडियो था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं कि मैं कहाँ से उठकर यहाँ तक आया हूँ। एक दिन की बात नहीं है, हमने इस समय तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है, और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तय किया है, आपके सहायता ने, आपके जो ये साथ है इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। इसलिए प्लीज़ देखिए इस वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, थोड़ा सा देखिए, तब समझ में आएगा आपको कि आपके पास बिहार बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उसका उत्तर अच्छा लिख सकते हैं। हम यह नहीं बोलते हैं कि हम सबसे अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि हमने जो लिखा है वह अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं हमसे, हम बहुत अच्छे हैं कि नहीं हैं यह आप डिसाइड कीजिए, और आपका साथ हमें बताता है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, जिस दिशा में मैंने चलने का प्रयास किया था
वह दिशा अच्छी है, आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले सरप्राइज के साथ और नई ऊर्जा के साथ। ध्यान रखिए अपना, घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।